रीवा जिला में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए गठित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा कि नगरीय निकाय के निर्वाचन दलगत आधार पर कराए जा रहे हैं। निर्वाचन संपन्न कराने में प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझाव महत्वपूर्ण होंगे और इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया है। इसी तरह की बैठकें नियमित तौर पर की जाएंगी, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त निर्देशों को जिला स्तर में निर्वाचन हित में की गई तैयारियों के संबंध में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही सदस्यों से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। इस मामले में कलेक्टर ने बताया कि दो चरणों में नगरीय निकाय के निर्वाचन संपन्न होंगे। रीवा जिले में नगर परिषद मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी में प्रथम चरण में, तो वहीं नगर पालिका निगम रीवा, नगर परिषद गोविंदगढ़, गुढ़, मनगवा, सिरमौर, बैकुंठपुर, सिमरिया, त्योथर, चाक घाट एवं डभौरा में द्वितीय चरण में निर्वाचन संपन्न होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत नगर निगम रीवा में 45 वार्डो एवं शेष सभी नगरीय निकायों के 15-15 वार्डो सहित कुल 225 वार्डो के लिए मतदान संपन्न होगा। नगर निगम रीवा में 232, मऊगंज में और डभौरा में 25-25, त्योथर और हनुमना में 17-17, तो सिमरिया में 16 तथा गोविंदगढ़, गुढ़, सिरमौर, बैकुंठपुर, नईगढ़ी, मनगवा एवं चाक घाट में 15-15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगरीय निकाय में कुल मिलाकर 3,11,274 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें से 1,61,490 पुरुष और 1,49,770 महिला और 13 अन्य मतदाता शामिल हैं। नगर निगम रीवा के लिए मतदान सामग्री का वितरण एवं वापसी पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा से की जाएगी। शेष नगरीय निकायों में सामग्री वितरण और वापसी के लिए स्थल चयनित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर निगम में ईवीएम के साथ निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी देने के लिए केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है, जहां से ईवीएम के संचालन व निर्वाचन से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि जिले में दो चरणों में नगरीय निकाय के निर्वाचन के दौरान कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात रहेगा। आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्व तथा पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर कानून और व्यवस्था की निगरानी करेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। वहीं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची के संबंध में भी जानकारी मांगी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सीडी के माध्यम से मतदान सूची प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एके झा और डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, सहायक संचालन आशीष द्विवेदी सहित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।